दूरदर्शन और आप देख रहे हैं नेशनल चैनल। दे सकते हैं तो आप प्लीज हमें लिखकर भेज दीजिएगा। अगर हमें आपका सुझाव पसंद आया तो हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में हम उस पर अमल करें। थैंक यू वेरी मच। तो इसका उबाल तकरीबन अब आ चुका है? नहीं, अभी थोड़ा सा समय, अभी थोड़ा समय बाकी है। तो चलिए हम एक और झटपट खत ले लेते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा है देवेंद्र जी, आप मुझे वक्त दे देते हैं कि हम दर्शकों के खत ले लें। और ये अगला खत हमारे पास है गुड़िया देवी जी का, जिला छतरपुर, ये भी मध्य प्रदेश से है। दीदी जी, आपको मेरी और मेरे परिवार वालों की तरफ से नमस्ते। आपको भी नमस्ते। मुझे आपका ये पकवान कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और मैं ये कार्यक्रम हमेशा देखती हूँ, पर कभी कभी गांव से बाहर लाइट ना होने के कारण मैं कार्यक्रम नहीं देख पाती। ये हमारे गांव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, जिस पर शायद अभी तक हम पूरी तरह निजात नहीं पा पाए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ये समस्या आपकी ख़त्म हो, ताकि पकवान आप बिल्कुल मिस ना कर पाएं। आगे ये लिखती हैं कि जब ये प्रोग्राम नहीं देख पाती हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती। और दीदी जी, ये मेरा पहला पत्र नहीं है, आप इस पत्र को प्लीज़ शामिल कर सकती हैं। इसके बाद ये मेरा शायद आखिरी पत्र होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं, आपका खत हमने इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया है, आपको अब गुस्सा भी नहीं आएगा और आपका खत इसी तरह से हम प्रोग्राम में हमेशा शामिल करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आपके इस खत के लिए गुड़िया जी, इसी तरह से हमें खत लिखती रही है। इसमें अब उबाल आ गया है, अब हम इसकी गैस बहुत स्लो कर देंगे। अच्छा अच्छा, स्लो हीट पे पकाएंगे अब इसको। अब हम इसमें सीजनिंग करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा क्रश पेपर कॉर्न। ओके जी बिल्कुल। इसी तरह थोड़ा सा नमक। नमक अभी देखिए आप इसमें थिकनेस भी काफी थिकनेस आ चुकी है। अब हम इसको फिनिश करेंगे, थोड़ा सा इसमें क्रीम डालेंगे। ओके, क्रीम एक चम्मच तकरीबन या? जी जी, बस एक चम्मच बहुत है। जब ये पूरी तरह पक जाए इसके बाद हम इसको स्ट्रेन करेंगे। ये लीजिए रूबी जी, हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है, तो इसकी जो सूप की शक्ल है वो काफी स्मूथ हो गई है और खुशबू भी आने लगी है मिल्क की। बिल्कुल, अब आप इसको टेस्ट कीजिए। ओके, क्रीम हम गार्निश करेंगे। इसकी खुशबू भी काफी एकदम फ्रेशनेस दे रही है। जी बिल्कुल, मिंट की वजह से। इसके पर हम थोड़ा सा मिंट की आप एक दो लीव्स देंगे तो? हाँ जी, ये लीजिए। हम इसको भी थोड़ा सा चॉप करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। ओके, जिससे कि जो खुशबू है बढ़ जाएगी। चार लोगों के लिए मिंट और ग्रीन पीज सूप बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मटर के दाने 250 ग्राम, हरा पुदीना 100 ग्राम, क्रीम 20 मिलीलीटर, तेल 2 चम्मच, मैदा 80 ग्राम, लहसुन 5 ग्राम, नमक स्वादानुसार, कुटी काली मिर्च 1 चम्मच। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके उसमें लहसुन डालकर भूनें, फिर इसमें मटर व पुदीने का पेस्ट डालें। अब इसमें थोड़ा सा मैदा डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मिश्रण में पानी डालकर हिलाते रहें। अच्छी तरह उबल जाने पर कुटी काली मिर्च, नमक और क्रीम डालकर पकाएं। अब इसे छानकर एक बाउल में निकालें और क्रीम व पुदीने से गार्निश करके सर्व करें। ये देखिए सूप रेडी है पीने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये है, वाह खुशबू आ गई, बहुत अच्छी। बहुत ही लजीज है, खुशबू से ज्यादा अब इसका टेस्ट भी बढ़ गया है। खुशबू तो बढ़ी गई थी लेकिन अब इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, सूप ही नहीं, हमारे पास और भी है पकवानों की भरहार, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं अभी एक ब्रेक के बाद।
तो लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। तो देवेंद्र जी, अब नेक्स्ट हमें क्या बना के दिखाने वाले हैं? अब हम बनाएंगे दम की भिंडी। दम की भिंडी, ऑयल सबसे पहले आपको एज यूजुअल ऑयल लीजिए, एक चम्मच तली बता दीजिएगा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा ओके, थोड़ा सा हम गर्म करने के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इसमें थोड़े गर्म तेल में जीरा डालेंगे। अच्छा अच्छा, सेम जैसे हमने पहले भी किया। जी जी, पहले से तैयार किया हमने जी। इस दम की भिंडी में ऐसी क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि एक तो हम इसमें दही का प्रयोग करते हैं। अच्छा। जो आपने देखा होगा नॉर्मल हम सब्जियों में नहीं करते, नहीं हैं। करते हैं। और दूसरा कि इसको हम थोड़ी देर दम पे रखते हैं, दम में मतलब इसको एयर टाइट करके रखते हैं। अच्छा, ताकि इसमें जो उसका जो इसमें इसका मॉइस्चर और भाप है उसी से वो कुक, उसी से वो कुक। जी हाँ, ओके, बहुत लो हीट पे। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, तेल गर्म हो गया, कोई आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा, जीरा। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटा हुआ प्याज एक चम्मच, करीबन डेढ़ चम्मच, करीबन डेढ़ चम्मच। इसको हम थोड़ी देर इसमें भूनेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ना किचन के हर चीज में कुछ नया म्यूजिक सुनाई देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हम इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जी, ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट आधा चम्मच काफी होगा। बस बस बस, इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली डालेंगे। ग्रीन चिली, ये आ गई ग्रीन चिली। बस जी, अब इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। ये रहा धनिया पाउडर, काफी होगा जी। अब हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। जी, कितना डालिए? तकरीबन तकरीबन तीन चम्मच, तीन चम्मच जी। अब हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर तकरीबन, हाँ जी बिल्कुल। बस थोड़ा सा नमक, नमक। बस अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। जी डालिए, तकरीबन तकरीबन सारी भिंडी डाल दीजिए। याद है थोड़ा पैन छोटा है, हम थोड़ा बस कम ही ले लेते हैं। हम बहुत पूरी तरह उसमें मिक्स कर दीजिए। जी तो चलिए, ये जब तक मिक्स हो रही है जी, हम एक खत पढ़ लेते हैं। जी बिल्कुल। हमारे ये दर्शक हैं, ये है शांति देवी, तिरवा खास कन्नौज यूपी से। ये लिखती हैं कि मुझे आपका पकवान कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, मैं हर शनिवार का इंतजार बेसब्री से करती रहती हूँ। आपका यह कार्यक्रम हम गृहिणियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपके इस कार्यक्रम का तथा आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद शांति जी, हम भी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने ये खत हमें लिखा, अपना कीमती वक्त हमें दिया और पकवान को देखा सराहा। इसी तरह आपके खत का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। आपके खत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इसमें थोड़ा टमाटर डालेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ टमाटर अभी हैं। जी और थोड़ा सा और,
के साथ, थोड़ा सा गरम मसाला जी, गरम मसाला और थोड़ा सा, बिल्कुल। अब इसमें ये तैयार है कल लगभग, अब हम इसको दम लगाएंगे। ओके। और इसको बहुत ही धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे कितना वक्त चाहिए होगा? करीबन करीबन 10 मिनट, बहुत लो हीट पे। ओके, तो चलिए देवेंद्र जी, जब तक हमारी भिंडी को दम लगता है जी, हम झटपट एक खत और ले लेते हैं। बिल्कुल। ये खत हमें भेजा है नीता जैन ने पुरकाजी से। ये लिखती हैं, रूबी जी और देवेंद्र जी आपको नमस्कार। नमस्कार आपको भी नीता जी। निवेदन ये है कि मैं पहले भी कई बार पत्र लिख चुकी हूँ, लेकिन आपने मेरा एक पत्र भी नहीं पढ़ा, जबकि मैं आपको नियमित प्रोग्राम आपका देखती रहती हूँ। आप समझ गई होंगी कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम की कितनी बड़ी फैन हैं। और आपने लिखा है कि आपने फ्रूट केक बनाना बताया था, जो कि देखने में लग रहा था कि बहुत सुंदर है, खाने में भी बहुत लजीज होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि फ्रूट केक जितना देखने में सुंदर लग रहा था, वो खाने में भी उतना ही लजीज है। और साथ ही ये लिखती हैं कि लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जैन हूँ। ओहो, इनकी ये प्रॉब्लम है, और जिसमें अंडे प्याज लहसुन नहीं खाए जाते। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या बिना अंडे का भी केक बन सकता है? बताइए देवेंद्र जी, ये समस्या तो इनकी आप ही पूरी कर। फ्रूट केक को हम बिना अंडे के नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप नॉर्मल केक बिना अंडे के बना सकते हैं। तो उसमें हम उसकी जगह पे दूध या मिल्क पाउडर को यूज करके, तो उसमें अंडा, बिना अंडे के केक तैयार हो सकता है। तो लीजिए नीता जी, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकल आया। अब आप वैसा ही सुंदर सा केक बनाइए, और बिना अंडे के भी आप उसे खा सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप केक बनाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू वेरी मच आपके इस खत के लिए, शुक्रिया। तो ये लीजिए, हमारी भिंडी ऑलमोस्ट तैयार है। ओके। खुशबू आने शुरू हो गई है। तो हम इसको सर्विंग डिश में डाल दें। चलिए, सर्विस करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ताकि okay. इसकी खुशबू बनी रहे जी। बहुत थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करना है। बिल्कुल। ये भिंडी बिल्कुल ड्राई नहीं रहती है? बिल्कुल ड्राई नहीं, क्योंकि जो दही है उसका मॉइस्चर तो वहाँ उसमें रहेगा जी। इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ा सा चॉप जिंजर। ओके। थोड़ी टमेटोज। अच्छा, जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं उनके साथ गार्निश करेंगे, और थोड़ा ग्रीन चिल्ली का जूलियन। ओके। आप चाहें तो थोड़ा सा ब्राउन अनियन इस पर डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। चार लोगों के लिए दम की भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए भिंडी 250 ग्राम, तेल 20 ग्राम, अदरक लहसुन पेस्ट 10 ग्राम, गरम मसाला 5 ग्राम, दही 100 ग्राम, कटा टमाटर 1, कटा प्याज 100 ग्राम, कटी हरी मिर्च आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, धनिया पाउडर 5 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले एक पैन में तेल अच्छी तरह गरम करके उसमें जीरा व प्याज डालकर भूने, फिर अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, दही, लाल मिर्च पाउडर, नमक और भिंडी डालकर अच्छी तरह मिश्रण को मिला लें, फिर टमाटर व गरम मसाला डालकर धीमी आंच पर ढककर 10 मिनट तक पकाएं, अंत में प्लेट में निकालकर मनचाहे तरीके से गार्निश करके सर्व करें। और ये हमारी दम की भिंडी एकदम तैयार है खाने के लिए जी। तो ये है हमारी दम की भिंडी, खुशबू इसकी बेहद लजीज है, और खाने में भी ये होगी लाजवाब, मुझे मालूम है इसका जवाब। तो जब तक हम इस भिंडी को टेस्ट करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और बहुत जल्दी एक बार फिर आपसे मिलते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। तो अब वक्त हो चला है हमारी आज की टिप का, तो देखते हैं हमें आज की स्पेशल टिप किसने भेजी है। ये है प्रभा प्रताप जी रामचंद्रपुरम हैदराबाद से। दोस्तों इन्होंने लिखा है कि यदि पनीर फ्रिज में रखा सख्त हो गया हो तो उसे जरा देर गर्म पानी में रख दें, पनीर फिर से नरम और ताजा हो जाएगा। तो फिर आप भी इस टिप को आजमाइए और अपने पनीर को ताजा कीजिए और झटपट सब्जी बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। थैंक यू वेरी मच प्रभा जी आपकी इस टिप के लिए। दोस्तों हमेशा की तरह हमें अब भी आपके खत ढेरों सुझावों और रेसिपीज के साथ मिले हैं। अच्छा लगता है जब आप हमें खत लिखते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे साथ साथ आप भी तारीफ के काबिल हैं क्योंकि आप हमारा प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखते हैं और ठीक उसी तरह अपने जितना आपको पसंद आता है उसी हिसाब से आप खत को लिखते हैं। आपके ढेरों खतों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके खतों का हमेशा हमें इंतजार रहेगा, आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का। पकवान प्रतियोगिता नंबर 29। हमारा आज का सवाल है मिंट और ग्रीन पीज सूप को हमने किन चीजों से गार्निश किया। आपके जवाब हमें 7 दिनों के अंदर मिल जाने चाहिए और अपने जवाब केवल पोस्टकार्ड पर ही लिखकर भेजें। 10 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा पकवान की तरफ से शानदार इनाम। हमारा पता है MCPL पकवान, पोस्ट बॉक्स नंबर 5705, नई दिल्ली 110055। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, रात काली सही कोई गम ना करो, दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो। तो दोस्तों पकवान के इस जायके के सफर में रहिएगा हमारे हम कदम और इसी तरह अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। ये है दूरदर्शन और आप देख रहे हैं नेशनल चैनल।